पावर स्टार पवन सिंह ने जब से बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से वो चर्चाओं में बने हुए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपना बचपन काफी गरीबी में बिताने वाले पवन सिंह आज भोजपुरी सिनेमा के सबसे अमीर अभिनेताओं में शुमार है और उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। आइए जानते हैं पवन सिंह की संपत्ति के बारे में। बता दें कि पवन सिंह आज के समय में करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक है। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, बिहार से लेकर मुंबई में उनका आलीशान फ्लैट है। पवन सिंह के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास चल संपत्ति 5,04,93,819 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 10,31,38,840 रुपए है। सिंगर के पास 60,000 रुपए कैश है। पवन सिंह और उनकी कंपनी की कुल संपत्ति 2,60,10,237 रुपए है। सिंगर के पास 31,04,000 के गहने हैं। इसके अलावा उनके पास 66,39,428 रुपए का इंश्योरेंस है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक पवन सिंह पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। पवन सिंह को लग्जरी कारों का भी बेहद शौक है, जिनमें कई फेमस ब्रांड की गाड़ियां शामिल है। पवन सिंह के पास 20 लाख की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, करीब 25 लाख की एक टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और करीब 95 लाख की एक रेंज रोवर कार है। यही नहीं, पवन सिंह के पास एक स्कूटी भी है जिसकी कीमत 60,000 रुपए है। पवन सिंह के पास कुल 1,39,75,000 की कीमत की गाड़ियां हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक पवन सिंह लग्जरी लाइफ जीते हैं। पवन सिंह की नेटवर्थ में उनके आलीशान घर भी शामिल है। भोजपुरी सिंगर के नाम पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में एक फ्लैट है। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 4 फ्लैट है। इनकी कुल कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए है। पहली बार चुनाव लड़ रहे पवन सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के 5 मामले रोहतास जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। पवन सिंह के खिलाफ शारीरिक शोषण का एक केस मुंबई की अदालत में लंबित है। आपको बता दें कि पवन सिंह को बचपन से सिंगर बनने का जुनून था। उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। हल्फनामे के मुताबिक पवन सिंह ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। इन्होंने बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड से साल 2004 में 10वीं की परीक्षा पास की। पवन सिंह ने बीते दिन काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है। इस सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के उम्मीदवार राजाराम सिंह पवन सिंह को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।